रानी, आपका फिर भागने का प्लान है? पता नहीं कहाँ भाग रही हो मरियम नानी। अगर आपने भागनी है मेरे पास आना। ये जो आप दम करेंगे, ये एक दम से करेंगे कि आस्ता आस्ता करेंगे? ये तो मरीज को देखेंगे, एकदम से होता है या बार बार से होता है। क्या मरियम नानी, मेरा नाम ना लो, कैप्टन सफदर नाराज होगा। आपने देखा था दरबार में बेचारा रो रहा था। मरियम नानी, ऐसे। अरे जूनियर खान साहब, मरियम नवाज कहती हैं कि आप बुजदिल हैं, आप औरतों के पीछे छुपते हैं, आप लोगों के बच्चों को अपनी ढाल बनाते हैं। क्या कहेंगे मरियम नवाज को? मरियम नानी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप जो है ना, बार बार मेकअप लगवाने से क्या है वो मुझे पता है मरियम नानी। आपका फिर भागने का प्लान है? पता नहीं कहाँ भाग रही हो मरियम नानी। अगर आपने भागनी है मेरे पास आना। नहीं, मरियम नवाज भागने से पहले आपके पास आए, आपको मशवरा देंगे, उन्हें क्या करेंगे आप? मैं दम दुरुद कराऊंगा कि वो सुधर जाए। नहीं, ये जो आप दम करेंगे, ये एक दम से करेंगे कि आस्ता आस्ता करेंगे? ये तो मरीज को देखेंगे, एकदम से होता है या बार बार से होता है ना। जब डॉक्टर के पास भी जाए वो कहता है एक हफ्ते की दवाई, एक माह की दवाई, बाद में आना। मैं तो मरीज को डिप्रेशन इसके चेक करूंगा कि बार बार दम करनी पड़ेगी या एक दफा। खान साहब, आपको तो पहले ही खर्चा रहता है कि कहीं कैप्टन सफदर आपसे नाराज ना हो जाए। अगर वो तो आपने देख लिया, नाराज हुआ मैं मरियम नानी को समझा रहा था। मैं झूठ बोलता हूँ, दिल से सच कहता हूँ। मैंने कहा मरियम नानी, मेरा नाम ना लो, कैप्टन सफदर नाराज होगा। आपने देखा था दरबार में बेचारा रो रहा था। वो इसलिए रो रहा था कि नाम इमरान की याद कर रहा है और बेगम मेरी घूम रही राना सनावला के साथ। आपको इस चीज की भी तकलीफ है कि मरियम नवाज राना सनावला के साथ क्यों घूमती है? बहुत तकलीफ है। वजह क्या है? कहीं प्यार तो नहीं हो गया खान साहब? एक सच्चे बंदे के साथ तो घूमे, फिर ये कातिल के साथ घूमती है। यानी कि मरियम नवाज आपके साथ घूमे तो ठीक है, मेरे साथ तो घूमे थोड़ा सुधर जाएंगे, पीछे वाले भी क्या आहिस्ता आहिस्ता इसकी सपोर्ट करेंगे। चलो मरियम नवाज को कोई पैगाम दे। मरियम लाठी को मैं यही कहता हूँ कि मरियम नानी, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। रमजान शरीफ आ रहा है, अल्लाह से तोबा करो, तोबा मांगो। प्यारे लाहौर को आपने किस तरह दिखल रहा है, प्यारे लाहौर को। ये एक मिसाल था कि एक कहावत थी कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। आप अच्छे प्यारे लाहौर को क्यों खराब कर रहे हैं? कौन सा दुश्मनी है लाहौरियों के साथ? यही दुश्मनी कि वो आपके सामने बात कर रहे हैं, अपने हकूक के खिलाफ निकले, अपने आँख मांग रहे हैं। नानी तरह ना करो, कैप्टन का घर तो बर्बाद कर दिया, और किस किस के घर को बर्बाद कर रहे हो? नवाज शरीफ का बेड़ा तो आपने घर कर दिया, भिंडी वाला चौधरी निसार जैसे पॉलिटिक्स उस सेट में हो गए मरियम नानी की वजह से। शायद खान अब्बासी नाराज है। क्यों? ये अल्लाह कुरान में फरमाता है कि लेडीज को इतना इख्तियार नहीं दिया है जितना इसका हक है, इतना कि उसको रोटी दो, कपड़ा दो, घर में इज्जत दो। ये नहीं कि पैसे ले वो करे मर्दों के सामने। जरा नाजम, ये थे जूनियर खान साहब। आपने जूनियर खान साहब की कप्तान से मोहब्बत देखी। इन्होंने 70,000 रुपए की नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि इन्होंने देखा कि इस नौकरी की वजह से खान की शान में कमी आ रही है, जिसकी वजह से इन्होंने उस नौकरी को तर्क कर दिया। इसके अलावा जूनियर खान साहब का कहना यह है कि बहुत से लोगों का मानना यह था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में पहले अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन जैसे अमीर तरीन लोग थे। ये लोगों को पैसे देते हैं और लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जलसों में आ जाते थे। लेकिन जूनियर खान साहब का कहना है कि आज ना तो अलीम खान है और ना ही जहांगीर तरीन है, लेकिन फिर भी आप देखें आवाम का ढेर सारा प्यार जो है वो इमरान खान के साथ है। अभी कुछ और कहना चाहते हैं? ना हमारे साथ जहांगीर ना अलीम खान ना जहांगीर तरीन रहा, सिर्फ रब का फैसला बेहतरीन रहा। क्या बात है, क्या बात है। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया तो प्रोग्राम को ढेर सारा प्यार दें। इसी के साथ अपने मेजबान जी आप बात करें। एक बात मैं करना चाहूँ अपनी कौम के सामने, अगर हम करप्ट माफिया अलीम खान, एच नीच और जहांगीर तरीन को रखते साथ, फिर हमारे नून लीग का पीपल्स पार्टी का क्या फर्क होता? फिर तो सब एक होते। इसलिए खान साहब जो भी उसको पता लगता है, खान साहब करप्ट बंदे को पार्टी में नहीं छोड़।
पड़ता है। इंशाल्लाह इस दफा खान साहब को अगले इलेक्शन में कारकुनों की बहुत शिकायतें आई कैंडिडेट्स में जो टिकट तकसीम कर रहे थे, हर एक सदर डिस्ट्रिक्ट सदर अपने दोस्तों को बंदों को टिकट दे रहे थे। इस दफा खान साहब ने अच्छा फैसला किया और जो कैंडिडेट इधर जमान पार्क बुलाए खुद इंटरव्यू ले रहे खुद टिकट दे रहे और एक अच्छा फैसला और क्या उसने कहा जिसको टिकट नहीं मिला वो डिपेंडेंट खड़ा होगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। जुनैद खान साहब का कहना यह है कि माजी में अगर टिकटें तकसीम करते हुए इमरान खान साहब से कुछ खामियां हुई तो अब इमरान खान साहब उसको भी दूर कर रहे हैं और इनकी नज़र पूरी पार्टी पर है। इसी के साथ अपने मेजबान कामरान चौधरी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।